तो ईयरबड्स की एक और वीडियो लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। 2000 रुपए के अंदर सबसे बढ़िया ईयरबड्स कौन से हैं? बहुत सारे ईयरबड्स हमने टेस्ट कर रखे हैं मिर्जा भाई, और आज की वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ भाई, सेल आने वाली है तो 2000 रुपए के अंदर कौन से पिक कर सकते हो और किसके ऊपर कितना डिस्काउंट मिलने वाला है जो आपके बजट के अंदर आ जाए। तो ये वीडियो के अंदर जरूर बने रहना और पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखना, और सभी ईयरबड्स के बारे में ना आपको डिटेल से बताऊंगा। और एक चीज और बता दूं, सभी ईयरबड्स का जो माइक्रोफोन का आउटपुट है एंड में आपको सुनने को मिल जाएगा, तो सुन के जरूर जाना ताकि आपको एक अंदाजा लग जाए कि माइक्रोफोन का आउटपुट कैसा है सभी ईयरबड्स का। तो नंबर 5 में जो ईयरबड्स रखे ना भाई, वो है बोट K141 ANC। अभी थोड़े दिन पहले लॉन्च हुए और भाई इनकी बात करते हैं। यहाँ पर जो बिल्ड क्वालिटी मिलती है ना, मैट फिनिश के साथ आती है, साथ में ईयरबड्स की जो डिजाइन है वो आपको इन ईयर टाइप मिलती है और कानों में अच्छी तरीके से फिट हो जाते हैं। और ना यहाँ पर ना आपको जो मैट फिनिश मिलती है ना, उसकी वजह से भाई स्क्रैचेस वगैरह नहीं आते, सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे। साथ में एक रिसेट का बटन भी दे रखा है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि बार बार ना आपको अगर कनेक्ट नहीं हो रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है, रिसेट करो, पेयर करो। बाकी स्पेक्स भी बहुत अच्छे हैं, 42 घंटे का बैटरी बैकअप है, फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है, 10 मिनट के अंदर 150 मिनट का आउटपुट आप ले पाओगे। और यहाँ पर जो सबसे हाइलाइटिंग फीचर है, क्योंकि 141 ना मतलब इसके 3-4 मॉडल आ गए, एक नियो आ गया, एक ANC आ गया, एक 141 ही आता था पहले और एक मॉडल और आई थिंक। तो भाई यहाँ पर स्पेशल क्या है, ANC 32 GB का -32 GB का ANC मोड आता है, और वो ऐसे काम करता है, समझ लो आप किचन के पास बैठो, कुकर की सीटी बज रही है फुल स्पीड से, समझ लो इस तरीके से, और उसके बाद को इतनी कम कर देगा, तो आपको इतना कुछ मतलब 32 GB ANC काम कर जाता है। उसके बाद यहाँ पर ना आपको गेमिंग मोड मिल जाता है 50 ms की लो लेटेंसी के साथ, तो गेमिंग वगैरह करनी है, अगर आपको BGMI खेलनी है या फिर कोई ऐसी गेम है जहाँ पर आपको लो लेटेंसी काम है, भाई परफेक्टली तरीके से काम करते हैं। 50 लिखा है, 55 के आसपास आपको, फिर 60 के आसपास आपको लेटेंसी मिल जाती है, मतलब आप आराम से खेल सकते हो। माइक्रोफोन की क्वालिटी भी काफी बढ़िया है, वो मैंने एंड में डाला हुआ है माइक्रोफोन का आउटपुट, आप सुन लेना। लेकिन अगर मैं बात करूं कि भाई ऑडियो क्वालिटी कैसे मिल जाती है, तो देखो जो भी जितने बता रहा हूँ उसमें वन ऑफ द बेस्ट तो नहीं है, लेकिन जिस प्राइस के अंदर मिलेंगे इस पे ध्यान देना, क्योंकि अभी मिल रहे हैं 1599 रुपए के अंदर, लेकिन सेल के अंदर प्राइस ड्रॉप होगा ना, क्योंकि अभी 1799 रुपए के भी हो गए थे, और मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा कम तो नहीं हुआ, लेकिन 1399 रुपए तक जा सकता है इसका प्राइस। तो भाई सेल के अंदर इसको पिक कर सकते हो अगर आपका बजट है 1399 रुपए के आसपास, ANC वाले ईयरबड्स हैं। दूसरे ईयरबड्स हैं ओप्पो के एनको बड्स 2। अब ये जो ईयरबड्स है ना, वैसे काफी दिन हो गए इनको लॉन्च हुए, लेकिन भाई अभी भी ये जो प्राइस के अंदर आ रहे ना बेस्ट हैं। अभी मिल रहे 1700 रुपए के आसपास, लेकिन सेल के अंदर इनकी प्राइस जाने वाली है 1500 रुपए के आसपास, तो भाई बेस्ट ऑप्शन हो सकता है 1500 रुपए के अंदर। फीचर सुन लो और डिजाइन बता देता हूँ। डिजाइन आती है मतलब एक राउंड पेबल शेप के अंदर, और वहां पर आपको मैट फिनिश मिल जाती है, स्क्रैचेस वगैरह का वहां पर डर नहीं है। ईयरबड्स आते हैं इन ईयर टाइप और लॉन्ग स्टेम डिजाइन आती है, कानों में अच्छी तरीके से फिट होते हैं, और यहाँ पर ना आपको जो स्पेसिफिकेशन है वो भी अच्छी मिलती है। 28 घंटे का कुछ बैटरी बैकअप है, काफी लोगों को थोड़ा सा कम लग सकता है, लेकिन डिसेंट होता है इतना, और ना यहाँ पर फास्ट चार्जिंग वगैरह भी आपको देखने को मिल जाती है। साथ में यहाँ पर भी आपको लो लेटेंसी वाला मोड दे रखा है 80 ms का, जो कि मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि गेमिंग के अंदर आई थिंक 50, 55, 60 आई थिंक होना चाहिए, उसके बाद ही थोड़ा बहुत मजा आता है, तो गेमिंग मोड तो आप भूल जाना। लेकिन डॉल्बी एटमॉस का फीचर यहाँ पर मिल जाता है, तो भाई ऑडियो एक नंबर आती है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि माइक्रोफोन का आउटपुट कैसा है, तो AI बेस्ड माइक्रोफोन आउटपुट दे रखा है, लास्ट में मैंने डाला वहां सुन लेना, और मेरे हिसाब से भाई बहुत क्लियर कॉल क्वालिटी होती है, लेकिन आप सुन लोगे तो आपको एक अंदाज लग जाएगा। साथ में यहाँ पर आपको IPX4 की रेटिंग मिल जाती है, और पता है एक फीचर और बढ़िया है, अगर आप वन टैप क्लिक करते हो ना भाई, अगर सेटिंग्स वगैरह कर लेते हो तो आप फोटो वगैरह भी क्लिक कर सकते हो अपने फोन से, तो ये फीचर थोड़ा सा नया है ईयरबड्स के मामले में। और हाँ, ऐप कंट्रोल भी आती है यहाँ पर, तो आप हे मेलोडी करके जो ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हो, उससे आप कंट्रोल कर पाओगे बहुत सारी चीजों को, जैसे गेमिंग मोड हो गया, इसके ईयरबड्स हो गए, या फिर अगर आपको इक्वलाइजर मोड को थोड़ा बहुत और ऊपर नीचे करना है वो चीजें कर पाओगे। और यहाँ पर आपको 10 mm के ऑडियो ड्राइवर आते हैं, और भाई जो ऑडियो की क्वालिटी आती है, AAC कोडेक को सपोर्ट करते हैं, तो भाई एकदम बढ़िया जो ऑडियो है ना वो यहाँ पर निकल के आता है, जहाँ पर आपको वोकल्स, क्लैरिटी, इवन जो उसके अंदर बेस है उसका जो आउटपुट है भाई आपको बहुत अच्छा लगेगा। और 1500 रुपए के अंदर डेफिनेटली बोल सकता हूँ भाई बढ़िया ऑप्शन होगा, अभी 1700 रुपए के अंदर है, सेल के अंदर ये मिलेंगे 1500 रुपए के। गाइस थर्ड नंबर में जो ईयरबड्स रखे ना, वो बहुत लोगों के मतलब एक नंबर के ईयरबड्स हो सकते हैं, बहुत लोगों को पसंद आ सकते हैं, क्योंकि उस ईयरबड के अंदर भाई बैटरी बहुत ज्यादा मिलती है। ये मैं बात कर रहा हूँ बोट की आयोन निर्वाणा की, भाई सबसे बड़ा फीचर था आई थिंक अभी तक जितने ईयरबड्स मैंने देखे ना, सबसे ज्यादा बैटरी बैकअप वाले ईयरबड्स हैं। 120 आवर्स का बैटरी बैकअप है, जहां पर आपको सिंगल ईयरबड
ईयरबड 12 घंटे का बैटरी आउटपुट देता है। लिटरली मुश्किल ही कोई ईयरबड होगा जो भाई 12 घंटे का ईयरबड टाइम क्लेम करता हो। हालांकि इतना मिलेगा नहीं, आपको मिलेगा कुछ 8 से 9 घंटे के आसपास, लेकिन वो भी काफी इनसेन चीज है। तो यहाँ पर इसके स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, डिटेल की बात करते हैं, डिजाइन की बात करते हैं। तो यहाँ पर ना अगर आप देखो भाई मैट फिनिश डिजाइन आती है, हल्की सिल्वर पट्टी दे रखी है, तो उस पर हल्के फुल्के स्क्रैच आ सकते हैं, बाकी मैट पे बहुत कम आते हैं। साथ में जो ईयरबड्स है ना भाई वो भी थोड़े से फूले हुए हैं और बैटरी बड़ी है तो ऑब्वियसली बात है थोड़े से बड़े, और कानों में थोड़े बड़े बड़े लगते हैं तो थोड़े से बाहर निकलते हैं। बस ये थोड़ा सा नेगेटिव पार्ट है, बाकी फीचर्स काफी बढ़िया। बैटरी मैंने आपको बता दी। यहाँ पर आपको बीस्ट मोड मिल जाता है गेमिंग वगैरह के लिए, 60 ms की लो लेटेंसी आती है, IPX4 की रेटिंग मिल जाती है, तो स्वेट वगैरह से कोई भी दिक्कत नहीं है। कनेक्टिविटी काफी सही है, ब्लूटूथ 5.3 की मिल जाती है, आपके फोन के साथ झट से कनेक्ट हो जाता है। अच्छा, माइक्रोफोन का आउटपुट मैंने एंड में डाला हुआ है, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ भाई ऑडियो क्वालिटी, तो यहाँ पर आपको मतलब दो मोड मिलते हैं, एक सिग्नेचर एक नॉर्मल मोड। ऐप कंट्रोल का फीचर आता है जिससे आप स्विच कर सकते हो, और यहाँ पर जो सिग्नेचर मोड है ना वो मुझे ज्यादा पसंद आया था, जो नॉर्मल मोड है वो इतना कोई खास नहीं है। लेकिन सिग्नेचर साउंड के अंदर ना भाई यहाँ पर आपको डिटेलिंग अच्छी मिल जाती है, इवन जो बेस क्वालिटी वो अच्छी मिल जाती है। हाँ, ट्रैवल वाला जो पार्ट है ना वो थोड़ा सा कम लगता है, इसकी वजह से ऐसा लगता है कि बेस और वोकल्स ही खेल रहे हैं, ट्रैवल वाला पार्ट थोड़ा सा मतलब बेस ओवरकम करता है उसको, तो थोड़ा सा होना चाहिए था, बस ये थोड़ी सी नेगेटिव चीज लगी। बाकी भाई बैटरी इसकी बहुत यूज भी है, और हाँ इन ईयर डिटेक्शन भी आती है, तो अगर आप निकाल देते हो तो भाई पॉज जाता है, दोबारा लगा ले तो भाई चल जाता है गाना, ये भी एक तगड़ा फीचर था इसके अंदर। वैसे इन सारी ईयरबड्स की वीडियो हमने डेडिकेटेड कर रखी है, तो जो जो ईयरबड्स मैंने बताया ना सबका जो लिंक है ना वो यहाँ पर आता गया होगा, आप जाके चेक भी कर सकते हो। प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लॉन्च प्राइस था इसका 2000, फिर उसके बाद 2300 रुपए के मिलने लगे थे, बीच में डिसकंटिन्यू हो गए थे, लेकिन सेल के अंदर इसकी जो प्राइसिंग ना भाई 1799 रुपए तक जा सकती है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप बैटरी वाइज कोई ईयरबड्स चूज कर रहे हो। तो नंबर दो की बात करने से पहले एक चीज बता दूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दो, हम ऐसी वीडियोस करते रहते हैं ताकि आपको सही नॉलेज मिल जाए, सही प्राइसिंग की पता लग जाए, और आप कोई भी ईयरबड लेने में कंफ्यूज ना हो, तो सब्सक्राइब कर दो। नंबर टू पे है Realme का T300। वैसे मैं न्यू रखता था Air 3 न्यू, लेकिन भाई अब T300 आ गया है तो मैं कहूंगा उसको स्किप कर देना, इसको आप चूज कर सकते हो भाई, बहुत तगड़ा ऑप्शन है, उसको भी ले सकते हो अगर आपका मन है, डिजाइन पसंद आती है, वरना ये बहुत सही ऑप्शन है। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक स्क्वायर और कुछ बॉक्सी टाइप यहाँ पर डिजाइन मिलते हैं इसके ईयर केस की, और यहाँ पर जो ईयरबड्स है ना वो आपको मिल जाते हैं इन ईयर, और ये स्टैम्प के साथ आते हैं, स्टैम्प डिजाइन के साथ आते हैं, टच कंट्रोल वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाता है, फिनिशिंग अच्छी है, मैट फिनिश आती है भाई, यहाँ पर आपको स्क्रैचेस वगैरह का डर आपको नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर स्पेक्स की बात करूं तो भाई यहाँ पर जो बैटरी आउटपुट है ना वो दे रखा है 40 घंटे का, फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन वहां पर दे रखा है, और भाई यहाँ पर आपको 50 ms की लो लेटेंसी, साथ में जो सबसे नया फीचर है इस तरह के ईयरबड्स के अंदर वो है 30 dB ANC, और इसका जो 30 dB ANC है ना वो लिटरली 30 dB लगता है। अभी होता क्या है, एक दो तरह के जो ईयरबड्स आते हैं ना भाई, मैं नाम तो नहीं ले रहा हूँ लेकिन बता रहा हूँ, 30 dB लिख देंगे या फिर 40 dB लिख देंगे, लेकिन लगता नहीं है, इसका 30 dB प्रॉपर 30 dB की तरह काम करता है और बहुत हद तक सन्नाटा कर देता है। समझ लो ये एम्बिएंट साउंड आ रहा है आपके अराउंड में, शोर चल रहा है, स्कूटर की आवाज आ रही है, फिर किसी की भी आवाज आ रही है भाई, उसको इतना कम कर देता है, तो भाई 30 dB बढ़िया काम करता है। इसके बाद ये ऐप सपोर्टेड आते हैं भाई, यहाँ पर Realme की ऐप आते हैं, Realme लिंक ऐप, जहाँ पर आप कंट्रोल चेंज कर पाओगे, गेमिंग मोड में स्विच कर पाओगे, और इसके साथ साथ आप यहाँ पर इक्वलाइजर मोड सेट कर पाओगे भाई, यहाँ ऑडियो के अंदर बहुत सारी प्रोफाइल आपको मिल जाएगी, कस्टम लगा सकते हो, ये सारी चीज है, और यहाँ पर ना आपको IP55 रेटेड मिलता है। अब इसका मतलब पता है, समझ लो IPX4/3 से भाई ऊपर है, IPX5 से भी रेटेड ऊपर है, यहाँ पर आपको डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट मिल जाता है, तो ये अच्छी चीज लगी मुझे। ऑडियो के अंदर यहाँ पर कमाल कर रखा है, 12.4 mm के ऑडियो ड्राइवर आते हैं, डॉल्बी एटमॉस का फीचर है, AAC SBC कोडेक को सपोर्ट करते हैं भाई, ऑडियो एक नंबर की यहाँ पर आपको देखने मिलती है, जो क्रिस्पीनेस है, जो वोकल की क्वालिटी है, इवन जो बेस आउटपुट भी है, और काफी लोग बार बार पूछते हैं मुझसे लाउड कितने, भाई लाउडनेस तो भर भर के मिलती है, Realme के जितने भी ईयरबड्स है ना अभी तक मैंने टेस्ट करे, भाई लाउडनेस बहुत ज्यादा है, आप 90% पे भी सुनोगे तो आपको लगेगा लाउड हो रहा है, 85 पे कर लेता हूँ वहां पर बढ़िया ऑडियो आएगा, लेकिन भाई जिसको लाउडनेस चाहिए यहाँ पर आपको ऑप्शन भी आता है लाउड कर सकते हो और ज्यादा, तो वो चीज यहाँ पर आपको दे रखी है। और प्राइसिंग की बात करूं भाई, अभी इसकी प्राइसिंग है 2199 रुपए, लिस्ट से जरूर ऊपर है, लेकिन सेल के अंदर भाई ये 1899 का देखने को मिल सकता है। अगर आपको बजट 2000 रुपए ANC वाले ईयरबड लेने, अच्छी ब्रांड की तरफ से ये सारे फीचर भी चाहिए, पिक कर सकते हो भाई से, आराम से मिल जाएगा आपको ये। और ऐसा नहीं कि जो प्राइसिंग बता रहा हूँ खाली इसी प्राइसिंग में मिल सकते हैं भाई, इससे नीचे भी आपको मिल सकते हैं, ये तो शायद मिल ही सकते हैं, इसके नीचे भी जा सकती है प्राइसिंग। अब जैसे मैंने बोला था भाई, नंबर वन पर जो ईयरबड है ना भाई, उसका मुकाबला भी कोई नहीं कर पा रहा है, और मैं कंफ्यूज हो रहा था नंबर टू को नंबर वन पे रखूं, नंबर वन को नंबर टू पे रखूं, लेकिन भाई जो नंबर वन है ना वो जिस प्राइस के अंदर आ रहा है ना, आई थिंक आप भी बोलोगे भाई सही चॉइस है आपकी, ये है OnePlus के Nord Bud 2
R. अब क्यों पता है नंबर वन पे? अभी मिल रहे हैं सिर्फ 1799 रुपए के अंदर, 2100 रुपए के आसपास लॉन्च हुए थे और भाई अब मिल रहे हैं 1799। सेल वगैरह के अंदर और भी प्राइसिंग कम होने के चांसेस हैं। इसके फीचर सुन लो, डिजाइन सुन लो, भाई बॉक्स ही एक लंबी सी डिजाइन आती है, इसका रिव्यू हमने कर रखा है फुल, यहाँ पर जाके देख सकते हो। और यहाँ पर जो ईयरबड्स है ना उसके अंदर और थोड़ी सी शेप चेंज हुई है, छोटे से ईयरबड्स है, कानों में बहुत तगड़ी फिटिंग आती है। और यहाँ पर अगर बैटरी आउटपुट की बात करूं तो 38 घंटे का बैटरी बैकअप दे रहा है, फास्ट चार्जिंग वगैरह इसके अंदर आपको मिल जाती है। साथ में यहाँ पर आपको भाई ब्लूटूथ 5.3 की कनेक्टिविटी, IP55 रेटेड, 12.4 mm के ड्राइवर, भाई छोटे से ईयरबड के अंदर। अब मैं साइज से तो कंपेयर नहीं कर रहा हूँ लेकिन जो ट्यूनिंग कर रखी है वो मैं आगे बताता हूँ। और यहाँ पर ना अगर आप देखोगे भाई गेमिंग बोर्ड वगैरह भी सब कुछ इसके अंदर दे रखा है, तो आप गेमिंग वगैरह भी कर पाओगे। साथ में ऐप का सपोर्ट भी आता है, हे मेलोडी करके जो ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हो, बहुत सारी कंट्रोल चीजें कर सकते हो, जैसे यहाँ पर आप कंट्रोल चेंज कर पाओगे, इसके इक्वलाइजर मोड को सेट कर पाओगे, इवन यहाँ पर आपको गेम मोड में स्विच करने का जो ऑप्शन है ना वो भी मिल जाता है, और 3 इक्वलाइजर मोड भी आते हैं, तो भाई उसके अंदर आप स्विच कर सकते हो। यहाँ पर आपको डॉल्बी एटमॉस का फीचर आता है, AAC SBC दोनों कोडेक को सपोर्ट करता है, और माइक्रोफोन का आउटपुट लाजवाब है, आप सुन सकते हो, मैं भी डालूंगा। तो लेकिन अगर मैं ऑडियो की बात करूं भाई, यहाँ पर जो क्लैरिटी मिली ना, मतलब मैं कहूंगा कि 5000 वाले जो मेरे पास एक ईयरबड है ओप्पो के एनको ईयरबड, भाई इतनी कुछ तगड़ी ऑडियो निकाल के देता है भाई, मेरे को भाई इनसेन लगे जिस प्राइस ब्रैकेट के अंदर आ रहे हैं। अगर आप ओवरऑल पूछोगे ना कि भाई सबसे बेस्ट ऑडियो किसका है, तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा नॉर्डबड्स 2R का बहुत तगड़ा ऑडियो आता है, जहां पर आपको सेपरेशन, वोकल्स की क्वालिटी, अगर आप डायलॉग देख रहे हो या फिर मूवी वगैरह देख रहे हो, मूवी के लिए या फिर स्टडी भी कर रहे हो, काफी लोग पूछते हैं भाई स्टडी के लिए कौन से बढ़िया है, स्टूडेंट्स के लिए, भाई यहां पर आपको क्रिस्प ऑडियो मिलती है, एकदम बेस क्वालिटी भर भर के मिलती है, लाउडनेस एक नंबर की यहां पर मिल जाती है, और क्लैरिटी भी काफी बढ़िया है। तो मूवी देख रहे हो आप या फिर सॉन्ग सुन रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इवन XYZ सबके लिए कुछ ना कुछ यहां पर आपको दे रखा है, तो मेरे को लगता है भाई वन ऑफ द बेस्ट है ऑडियो के मामले में। माइक्रोफोन का आउटपुट बढ़िया है, बैटरी आउटपुट बढ़िया है, ANC इसके अंदर नहीं आता, ANC के लिए आपको 2 लेने पड़ेंगे, R यहाँ पर विदाउट ANC वाला आता है, और ये भी 1799 रुपए के अंदर है। गाइज अभी बाय कर लेना, मैं कहूंगा अभी एड टू कार्ट तो कर ही लेना, और 2 दिन बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि भाई प्राइस ड्रॉप हुआ है, तो भाई उसको भी बाय कर लेना, उसको कैंसिल करा देना, क्योंकि इतनी जल्दी आपको डिलीवर नहीं होगा अगर आपने मेंबरशिप नहीं ले रखी है, तो भाई बिल्कुल जा सकते हो इसकी तरफ। और गाइज अब सुन लो सभी ईयरबड्स के माइक्रोफोन का आउटपुट। तो गाइज अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं बोट के 141 ANC से, इसका जो माइक्रोफोन का आउटपुट कुछ ऐसा रहेगा। अब देखो नॉर्मली जब भी आप बात करते हो तो फैन वगैरह चलता रहता है, बंद तो नहीं करोगे ना, तो यहाँ पर भी हमने फैन ऑन रख रखा है, और माइक्रोफोन का आउटपुट ना जब भी आप कॉलिंग पे बात करोगे तो ऐसा जाने वाला है। ये है इसका माइक्रोफोन का टेस्ट इंडोर कंडीशन के अंदर ओप्पो एनको बड्स 2 से, और आप समझ ही गए कि इंडोर के अंदर माइक्रोफोन का आउटपुट कैसा है, बाकी हम स्विच कर रहे हैं आउटडोर के अंदर। तो गाइस यहाँ पर मैं आ गया हूँ आउटडोर कंडीशंस के अंदर, तो ऐसा कुछ माइक्रोफोन का आउटपुट है। और यहाँ पर एक चीज बता दूं, जब कॉल आती है तो काफी जो TWS होते हैं काफी ज्यादा नॉइज करते हैं, मतलब कान में बजते हैं, यहाँ पर अच्छी बात है बहुत स्मूथ और अच्छी सी जो साउंड है ये प्रोड्यूस करते हैं, जब कॉल आती है तो आपको पता लग जाता है कि कॉल आ गई है, और बहुत दर्द सर नहीं होता कानों में, और आपको अंदाजा लग जाएगा हल्की फुल्की हवा चल रही है, और आउटडोर में कुछ ऐसा माइक्रोफोन का आउटपुट है। और अगर मैं कैमरे का आउटपुट सुनाऊं, वैसा कुछ कैमरे का आउटपुट है तो आप देखो इतना कुछ शोर चल रहा है भाई, तो उसमें कितना डिफरेंस था आपको पता लग गया होगा कि दोनों में कितना डिफरेंस है कैमरे के माइक्रोफोन में और इसके माइक्रोफोन में। राइट, अभी जो ऑडियो क्वालिटी आप सुन रहे हैं ना, ये सुन रहे हैं बोट के आयोन निर्वाणा से, और ये इंडोर के अंदर इसका माइक्रोफोन का आउटपुट है। तो दोस्तों अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वन प्लस के नॉर्ड बर्ड्स 2R से, और ये इसका माइक्रोफोन का आउटपुट है। आउटडोर कंडीशन के अंदर अभी हवा चल रही होगी और आप सुन पा रहे होगे कि भाई माइक्रोफोन का आउटपुट कैसे काम करता है। तो ये थे वो 5 ईयरबड जो आप 2000 रुपए के अंदर डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो, और जिनकी प्राइसिंग में भी आपको एक चेंज देखने को मिलेगा सेल के अंदर। तो ये वीडियो पे खत्म कर रहा हूँ, आपको कैसी लगी वीडियो मेरे को जरूर बताना।